डॉक्टर साहब, अगर टीएमटी अगर आपका नॉर्मल है तो टीएमटी कितने दिनों तक वैलिड होता है? कि भाई मेरे को अगर टीएमटी अगर नॉर्मल है, उसका मतलब यह है कि आपकी खून, आपके हार्ट को अच्छे से दौड़ा के देखा गया है और ईसीजी में कोई गड़बड़ नहीं आई है, दैट मीन्स आपके हार्ट की खून की नसों में कहीं भी 60-70-80% के ऊपर कोई ब्लॉकेज नहीं हो सकता, 50-60% के नीचे हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, कोई भरोसा नहीं, तो उसका मतलब यह है कि अगले साल भर अगर आप अच्छे से जिम्मेदारी से इज्जतदारी से जियोगे, यानी कि स्मोकिंग, दारू, मोटापा, उल्टा सीधा खाना नहीं खाओगे, तो साल भर तक वो वैलिड रहेगा। उल्टी सीधी लाइफस्टाइल वालों को कोई भरोसा नहीं होता, वो कभी भी कुछ भी हो सकता है, वो फूक रहे हैं, ये कर रहे हैं, गांजा फांजा ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, स्टीरॉयड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, लेकिन अच्छी लाइफस्टाइल जी रहे हैं तो साल भर तक उसकी वैलिडिटी रह सकती है। साल भर के बाद आपका फिर से टीएमटी करके देखेंगे, अगर आपका टीएमटी नॉर्मल है, नथिंग टू वरी फॉर अनदर ईयर, ठीक है। बाकी रिस्क फैक्टर भी देखने होते हैं, बाकी सारे रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना होता तभी पता चलता आगे क्या करना है। हमें कितनी स्पीड में वॉक करना चाहिए अगर हमें फैट लॉस चाहिए? बाकायदा सबसे स्लो स्पीड में, यानी जो नॉर्मल स्पीड में अगर ज्यादा वॉक करेंगे आप, तो वो स्लो कार्डियो आपका फैट ज्यादा लॉस करेगा। ये देखा गया है कि जब आप बहुत ज्यादा वॉकिंग करते हैं, एक्चुअल नॉर्मल वॉक आप ज्यादा करते हैं, तो उस नॉर्मल वॉकिंग में आपकी बॉडी जो है धीरे 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 फैट यूज करती है, बिकॉज जो आपके शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन है वो जल्दी से ऑक्सीजन के लिए यूज होता है अगर आप बहुत तेज भाग रहे हैं। तो अगर एक इंसान स्लो चालू हुआ तो उसका 80-90% उस पर्टिकुलर वॉकिंग के एनर्जी के लिए फैट यूज हो रहा है, 10% आपका कार्बोहाइड्रेट यूज हो रहा है। स्पीड बढ़ता गया, तेज हो गया फास्ट वॉकिंग में 50-50, रनिंग में 90% ओनली कार्ब्स यूज हो रहे हैं, इसलिए रनिंग आप 100 मीटर 200 मीटर के बाद थक जाते हो, बिकॉज तब कार्ब्स खत्म हो जाते हैं, 20 मिनट में कार्ब्स खत्म, राइट, पूरे 200 मीटर 400 मीटर के बाद कार्ब्स खत्म, वॉक ज्यादा। उम्र का कोई लेना देना नहीं है, अगर आपका विटामिन डी कम है, जो है, तो फिर आपको विटामिन डी लेना होगा। अब वो चाहे धूप में खड़े होके लो, थोड़े काले हो जाओगे, चाहे दवाई लो, गोली लो, उसमें कैप्सूल आते हैं, सैशे आते हैं, लिक्विड आते हैं विटामिन डी के, उसको पूरा करो। अपने विटामिन डी के लेवल को बढ़िया रखो तभी आप फिट रहोगे, वरना आपको बहुत से कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, डिप्रेशन से लेके मसल क्रैम्प्स तक, मसल और बहुत सारे मेजर साइड इफेक्ट्स के ऊपर डिटेल वीडियो जाके मेरा यूट्यूब पे देखो, विटामिन डी बाय डॉक्टर एजुकेशन ऑन यूट्यूब। मगर हर इंसान को विटामिन डी की जरूरत है, अगर आप धूप में नहीं जाते, बच्चे बूढ़े नौजवान कम विटामिन डी के साथ रहोगे, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस, प्रॉब्लम, साइकोलॉजिकल इश्यूज, स्ट्रेस, वो भी आते हैं। डोंट डू दैट to yourself. Share this video. कोई नहीं रहा? शेयर कर दो। अगर मैं आपसे कहूं कि एक इंसान जिसको बिजली का झटका लग गया, उसने फिर अपनी सारी, जहां जहां वो मिलता ना, सबको बोलता रहता बिजली की तारे नहीं यूज करो, बिजली की तारे नहीं यूज करो, सारे के सारे निकाल दो, अंधेरे में राख करो, क्या वो आपको लॉजिकल लगता है? नहीं ना, उसको बोलोगे बैल बुद्धि, समझे? वैसे ही कुछ लोग ऐसे ही बोल देते हैं आपके कोलेस्ट्रॉल से स्टोन बनते हैं, कोलेस्ट्रॉल खाना बन, जो आपके लिए जरूरी है, आपके स्टीरॉयड उससे बनते हैं, आपके हार्मोन उससे बनते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कैल्शियम से स्टोन बनते हैं, कैल्शियम खाना बंद कर दो, भाई कैल्शियम जरूरी है, आपकी हड्डियां उससे बनती हैं, आपके हर एक सेल के गेट्स दरवाजे कैल्शियम से, हर एक मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए कैल्शियम लगता है, आपके शरीर में 1500 से 1500 मिलीग्राम कैल्शियम का रिक्वायरमेंट है रोज। कैल्शियम के वजह से स्टोन नहीं बनते, पानी कम पीने के वजह से जो कैल्शियम निकलना चाहिए वो नहीं निकल पाता और जमा होकर स्टोन बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट के वजह से स्टोन बनते हैं, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम की वजह से स्टोन बनते हैं, कैल्शियम की वजह से नहीं। बैल बुद्धि मत बनिए और उल्टे लोगों की बातें मत सुनिए, सही नॉलेज लीजिए और शेयर करिए प्लीज। देखो, दिस चाइल्ड, बच्चा रो रहा है कि उसका वजन नहीं बढ़ता, बच्चे उसको चिढ़ाते हैं स्कूल में, और वही बड़े जो उसे चिढ़ाते हैं अगले 10 साल में मोटे गाइंडे बन जाएंगे, लिवर में फैट जमा होगा, डायबिटीज होगा, और ये बंदा जो है ये फिट होगा, तब भी फिट होगा, और ये तब सोचेगा मैं फालतू में रो रहा था कि वो मेरे पे हंस रहे हैं, जबकि मेरे बॉडी, भगवान ने शरीर ऐसा बनाया, मैं कुछ भी खाऊं मैं मोटा नहीं हो रहा, मैं फिट हूं। ऑल यू नीड टू डू इज एक्सरसाइज एंड ईट अ गुड हेल्दी हाई प्रोटीन डाइट, ताकि आपकी मसल थोड़ी थोड़ी बनती रहे, बस। मेरे दोस्त, पढ़ाई करो, खुश रहो, तुमसे लकी कोई नहीं है, दबा के खाना खा सकते हो, तुमसे लकी कोई नहीं है, मेरा बस चले तुम्हारी उम्र में, मैं स्वैप कर लूंगा अपने आप को तुमसे, ऐसे, समझे?